गाइस, आई एम वैशाली किकान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं VLSI टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट इंग्लिश में। ये सब्जेक्ट ऑलरेडी इंग्लिश में अभी अवेलेबल है वैशाली जी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर, बट अभी हम इंग्लिश में भी स्टार्ट करने जा रहे हैं बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को लैंग्वेज इश्यूज आ रहे थे और ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर योर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप VLSI इंडस्ट्री को एम कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आज इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा फैब्रिकेशन देखेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सो आपको सारी वीडियोज बहुत ध्यान से देखनी है। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू द VLSI टेक्नोलॉजी देखेंगे कि VLSI टेक्नोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसका मतलब क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, हिस्ट्री, और उसके बाद हम देखेंगे मूर्स लॉ, देन द वेरियस टेक्नोलॉजी SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI, इन सब के बीच में डिफरेंस देखेंगे एंड एट लास्ट द एडवांटेजेस एंड द लिमिटेशंस ऑफ द VLSI टेक्नोलॉजी। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द इंट्रोडक्शन टू द VLSI। व्हाट इज VLSI? इफ आई आस्क यू, सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी टेलिंग मी VLSI इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये आंसर गलत नहीं है, राइट? VLSI एक एब्रीविएशन है जिसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये तो सही बात है। अब VLSI से होता क्या है? VLSI से हम एक IC बनाते हैं। IC इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने किसी ना किसी लैब में जाकर एक IC जरूर देखी होगी। IC एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस होता है, राइट? और अगर वहां पर भी नहीं देखी है तो आपने अपने फोन में मेमोरी चिप जरूर देखी होगी। सो ये भी एक IC है। सो IC को डिजाइन कैसे करते, फैब्रिकेट कैसे करते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसके पीछे, वो है VLSI टेक्नोलॉजी। VLSI एक प्रोसेस होती है जिससे कि हम एक IC बनाते हैं। कैसे ICs बनाते हैं? बाय कंबाइनिंग थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स इनटू अ सिंगल चिप। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक ही चिप पर। आप देखेंगे कि एक चिप बहुत छोटी सी होती है। अगर मैं एक सिंगल ट्रांजिस्टर को देखूं, अगर आपने लैब में छोटा सा ट्रांजिस्टर देखा होगा, ट्रांजिस्टर एक ट्रांजिस्टर इतना छोटा होता है और चिप इतनी बड़ी होती है। अगर चिप में 1000 ट्रांजिस्टर है तो विच मीन्स मैंने इतने सारे ट्रांजिस्टर्स को एक चिप के ऊपर ले आया है, जिससे क्या हो गया है, हमारा सर्किट बहुत कॉम्पैक्ट हो गया है। सो VLSI टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर, इसीलिए ही इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आपके पास 1 फीट का एक मोबाइल फोन है, तो क्या आप उसे लेकर इधर उधर घूम सकते हैं? नहीं। बट अगर आपके पास एक पॉकेट साइज बहुत थिन मोबाइल फोन है तो आप उसे लेकर इधर उधर घूम सकते हैं, वो आपके लिए यूजर फ्रेंडली होगा। सो आपको एक कॉम्पैक्ट डिवाइस चाहिए, आपको थिन डिवाइस चाहिए, उसके लिए आपको VLSI टेक्नोलॉजी चाहिए। तो VLSI टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस समझ आ गया होगा, होता क्या है ये समझ आ गया होगा, राइट? इट बिगेन इन 1970s में स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली 1947 में IC कब स्टार्ट कहां से हुआ था, जब ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो गया था। ट्रांजिस्टर डिस्कवर हुआ था 1947 में, राइट? सो मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस फ्लो बताऊंगी, हिस्ट्री में मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा प्रोसेस फ्लो कैसे हुआ, कैसे आईसी बननी स्टार्ट हुई। 1970s में VLSI टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई। कैसे स्टार्ट हुई? क्यों? जब हमारा कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स बन रहे थे और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी। उस टाइम पर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी एंड उसके लिए हमें ICs की जरूरत थी। तो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी, मोस्ट ICs हैड अ लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शंस ओनली। मोस्टली ICs लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शंस ही कर सकती थी बिफोर VLSI टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके ऊपर हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स नहीं बना सकते थे, राइट? जैसे कि अगर आपने अपने डिजिटल सर्किट की लैब में देखा होगा, एक आईसी पे हमारे पास 4 से 5 गेट्स होते हैं। लाइक अगर हमारे पास 4 से 5 NAND गेट हैं, एंड गेट्स हैं, तो ये बहुत ही बेसिक आईसी है जिसमें VLSI टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है। बट जब हम VLSI टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हम पूरा कंप्यूटर भी एक चिप के ऊपर बना सकते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर इज एग्जाम्पल ऑफ VLSI डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर जो कि पूरा कंप्यूटर का काम करते हैं, इट इज अ बेसिक डिवाइस ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी, राइट? VLSI टेक्नोलॉजी से बना है इसके चिप। अब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारे पास CPU, ROM, RAM,
अदर ग्लू लॉजिक्स भी हो सकते हैं। सो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से जो हमारे पास सर्किट बनेगा उसमें हमारे पास सीपीयू, रैम, रोम सब कुछ बना सकते हैं ऑन अ सिंगल चिप। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वीएलएसआई। सो वीएलएसआई लेट्स आईसी डिजाइनर क्या कर सकते हैं, सब कुछ एक ही स्मॉल चिप पर बना सकते हैं, राइट। सो वीएलएसआई इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज टेक्नोलॉजी फॉर माइक्रोचिप प्रोसेसर्स, माइक्रोचिप बनाने के लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए और कॉम्पोनेंट डिजाइनिंग करने के लिए वीएलएसआई सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। इनिशियली इट वॉज डिजाइन टू सपोर्ट 100 and 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। एक 100 और 1000 ट्रांजिस्टर्स को एक माइक्रोचिप पे बनाया गया। नाउ वी हैव अराउंड 1.2 trillion ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल चिप, राइट। अभी हमारे पास 1.2 trillion ट्रांजिस्टर्स हैं ऑन द एरिया ऑफ 46,000 square mm, एंड अभी भी उसके पास कैपेसिटी है कि वो इससे भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स बना ले इसी सेम एरिया में। सो अभी भी हमारी वीएलएसआई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है एंड वी कैन गेट द बेटर डिवाइसेस इन नियर फ्यूचर एज वेल। फ्यूचर में हमें बेटर डिवाइसेस भी मिल सकते हैं। दीज ट्रांजिस्टर्स आर इंटीग्रेटेड एंड एम्बेडेड विद इन द माइक्रोचिप। जो फर्स्ट 1 MB रैम बनी थी इट वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ वीएलएसआई डिजाइन प्रिंसिपल, राइट। मेगा बाइट रैम बनाने के लिए हमें वीएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ी थी, जिसके लिए हमारे पास 1 million ट्रांजिस्टर्स थे एक माइक्रोचिप डाई पर, राइट। सो आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट मेगाबाइट रैम थी उसके लिए 1 million ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे और वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से ये बना था। कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। ये सब स्टार्ट हुआ विद द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर, एंड मोस्ट ऑफ यू नो कि डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर्स कब हुआ था, 1947 में, राइट। सो फर्स्ट ट्रांजिस्टर वॉज डिस्कवर्ड एट AT&T बेल्स लैब इन 1947। उसके बाद फर्स्ट सिंगल क्रिस्टल जर्मेनियम डिस्कवर हुआ 1952 में, राइट। जर्मेनियम हमें पहले से ही पता था एक एलिमेंट है, बट सिंगल क्रिस्टल जर्मेनियम कैसे कब बनाया हमने, 1952 में। उसके बाद फर्स्ट सिंगल क्रिस्टल सिलिकन बना 1954 में। ये जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री की एरियाज को हम सिलिकन वैलीज बोलते हैं, राइट। व्हाई सिलिकन वैली, बिकॉज मोस्टली हम सिलिकन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ जर्मेनियम। 98% ऑफ टाइम हम सिलिकन यूज करते हैं। वी यूज मोर सिलिकन डिवाइसेज देन द जर्मेनियम डिवाइसेज। तो इसी कारण से, इसी वजह से हम इस टेक्नोलॉजी को सिलिकन वैली टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, और यहाँ जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उस एरिया को हम सिलिकन वैली भी बोलते हैं, राइट। जो फर्स्ट आईसी डिवाइस बना था वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने बनाया था 1958 में, बट फर्स्ट आईसी प्रोडक्ट फेयरचाइल्ड कैमरा ने बनाया था 1961 में। ज़ेरोकाल्स्की क्रिस्टल ग्रोथ टेक्निक 1918 में ही डिस्कवर हो गई थी। ज़ेरोकाल्स्की क्रिस्टल ग्रोथ टेक्निक हमारे क्रिस्टल को प्योर करने के लिए यूज की जाती है, एंड जो भी हम वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में क्रिस्टल यूज करते हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल यूज करते हैं, वो बहुत प्योर होना चाहिए। सो ज़ेरोकाल्स्की क्रिस्टल ग्रोथ टेक्निक हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर। ब्रिजमैन क्रिस्टल ग्रोथ टेक्निक केम इन 1925। ब्रिजमैन क्रिस्टल ग्रोथ टेक्निक इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, तो वो भी हम देखेंगे कि ब्रिजमैन क्रिस्टल ग्रोथ टेक्निक होता क्या है। उसके बाद डिफ्यूजन, डिफ्यूजन वॉज डिस्कवर्ड बाय फान 1952 में। डिफ्यूजन से क्या होता है, हम सिलिकन के अंदर एन टाइप और पी टाइप सिलिकन डिफ्यूज कर सकते हैं, राइट। एन टाइप मटीरियल क्या होएगा, एन टाइप मटीरियल फॉस्फोरस और आर्सनिक, पी टाइप मटीरियल बोरॉन। सिलिकन के अंदर एन टाइप और पी टाइप मटीरियल डिफ्यूज कर हम एन टाइप और पी टाइप सिलिकन बना सकते हैं विद द डिफ्यूजन प्रोसेस। देन द लिथोग्राफी, लिथोग्राफी फोटो रेजिस्ट एंड्रस ने डिस्कवर करा था 1957 में, और लिथोग्राफी से ही एक्चुअली हम क्या करते हैं, डिजाइंस बनाकर ट्रांजिस्टर का सोर्स, और ट्रांजिस्टर के केस में कलेक्टर और एमिटर होता है। सो कलेक्टर एमिटर विद द हेल्प ऑफ द फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस बनता है। अगर हमारे पास मॉस है तो सोर्स और ड्रेन बनेगा विद द फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस। तो ये सब प्रोसेस हम देखेंगे इन डिटेल इन द कमिंग लेक्चर्स। ऑक्साइड मास्किंग, ऑक्साइड मास्किंग अगेन सोर्स और ड्रेन या एमिटर और कलेक्टर बनाने के लिए यूज होता है, जिसको डिस्कवर करा था फ्रॉश और डेरिक ने 1957 में। एपिटेक्शियल सीवीडी ग्रोथ, एपिटेक्शियल लेयर क्या होती है, जो हमारा वेफर होता है उसके ऊपर हम एक और हाईली प्योर सिलिकन की लेयर बनाते हैं। जैसे कि अगर आप अपना लेस का वेफर देखें, लेस के वेफर के ऊपर अगर आप मियोनीज की एक लेयर बना दें, सो दैट इज द लेयर विच इज प्रेजेंट ऑन वेफर। तो वेफर के ऊपर जो मियोनीज की लेयर है,
ऐसे ही हम वेरी प्योर सिलिकन की लेयर बनाते हैं ऑन द सिलिकन क्रिस्टल, राइट। सिलिकन का थोड़ा इम्प्योर वेफर होएगा, उसके ऊपर सिलिकन की हाईली प्योर लेयर बनाएंगे। दिस इज द एपिटेक्सियल लेयर। केमिकल वेपर डेपोजिशन प्रोसेस से बनता है ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी 1957 में। आयन इम्प्लांटेशन, आयन इम्प्लांटेशन अगेन फॉस्फोरस आर्सेनिक और बोरन को हमारे सिलिकन के अंदर डिफ्यूज कराने के लिए यूज होती है, राइट। सो डिफ्यूजन जैसे ही एक आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस है जो हमारे डोपिंग में हेल्प करती है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय शॉकले इन 1958। हाइब्रिड आईसी जो फर्स्ट बनी थी वो किल्बी ने डिस्कवर करी थी 1959 में। ड्राई एचिंग प्रोसेस डिस्कवर करी थी इरविन लेमन्स एंड बोबोज ने 1971। ड्राई एचिंग से क्या होता है, एचिंग से हम कोई भी पार्ट, कोई भी मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, एच आउट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि अगर हमें सोर्स और ड्रेन से कनेक्शंस बनाने होंगे तो हमें सोर्स और ड्रेन तक एच आउट करना पड़ेगा, मेटल के कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, राइट। देन द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004 वॉज डिस्कवर्ड बाय हॉफ एट ऑल इन 1971, राइट। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आप देख सकते हैं 1946 में जब हमारे पास आईसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, राइट, और जब हमारे पास वीएलएसआई टेक्नोलॉजी डिस्कवर ही नहीं हुई थी, आईसी हमारे पास नहीं आई थी, तो एक रूम के साइज का हमारे पास एक कंप्यूटर होता था। ये आप देख रहे हैं, ये पर्सन ही कंप्यूटर यूज कर रहा है और ये एक रूम के साइज का कंप्यूटर है, राइट। ये इस कंप्यूटर का नाम था एनियाक, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था 1946 में। जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर था वो कुछ ऐसा दिखता था। इट वॉज डिस्कवर्ड इन द बेल लैब इन 1947। और ये थे inventors of the first transistor, John Bardeen, William Shockley and Walter Brittain. So these three were the inventors of the first transistor. ऐसी हमारी first chip दिखती थी। So ये जो first chip थी ये Robert Noyes ने बनाई थी। Robert Noyes काम करता था Fairchild Camera में। 1961 में उसने ये first chip बनाई थी, right? आप देख सकते हैं यहाँ पर वी हैव इनपुट वन, इनपुट टू, आउटपुट टू, आउटपुट वन, टू इनपुट टू आउटपुट था। ये अर्थिंग पिन है, राइट, और यहाँ से हम वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक सी आईसी बनाई थी रॉबर्ट नॉयस ने 1961 में, राइट। सो दिस इज हाउ द इंटेल 404 माइक्रो प्रोसेसर लुक लाइक। इंटेल 404 माइक्रो प्रोसेसर कुछ ऐसा दिखता है, इंटेल पेंटियम 2 माइक्रो प्रोसेसर कुछ ऐसा दिखता है। सो अगर मैं इंटेल चिप को देखूं तो क्लोज अप कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ये जो आपको चिप के ऊपर ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये हैं जो लाइंस हमारी है मेटलाइजेशन से बनी है। हमारी जो चिप है, चिप को हम आउटर वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट कराते हैं, विद द हेल्प ऑफ मेटलाइजेशन, राइट। सो कमिंग टू द मूर्स लॉ, मूर्स लॉ किसने दिया था, इंटेल के को फाउंडर गोर्डन मूर ने 1964 में कुछ ऑब्जर्व करा और अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने मूर्स लॉ दिया। इसने क्या ऑब्जर्व करा कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो डबल हो जाते हैं एवरी 12 मंथ में, वेयर एज प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट। अगर मैं सेम चिप की बात करूं, सो सेम चिप पर द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर विल गेट डबल हर 12 महीने के बाद, राइट। इसका प्राइस सेम रहेगा, इसका एरिया भी सेम रहेगा, सेम एरिया पे डबल ट्रांजिस्टर आ जाएंगे, राइट, या फिर सेम प्राइस में हमारे पास डबल ट्रांजिस्टर मिल जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी हर 12 साल में डबल हो जाती है। सो दिस टेक्नोलॉजी स्लोड डाउन इन 1980। अब 12 की जगह 18 महीने में ट्रांजिस्टर्स डबल होने लग गए। इट इज kept on still till 2010। 2010 तक ये टेक्नोलॉजी डबल होती रही और हमारे पास कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट डिवाइसेस बनते रहे। पहले जो डिवाइसेस थे थोड़े बड़े आते थे, उसके बाद हमारे पास कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट फोन्स और थिन से थिन फोन्स अभी अवेलेबल हैं। सो अगर आप देखें तो मूर्स लॉ को इंटेल वर्जन में हम ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, एक्स एक्सिस पर हम टाइम देख रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हैं, आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम ईयर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। 1975 में हमारे पास 10K से थोड़े कम ट्रांजिस्टर थे, लेट सपोज या 9K ट्रांजिस्टर थे। और अगर आप 1980 के अराउंड देखें तो यहाँ पर हमारे पास 50K से ऊपर, लाइक 70K के अराउंड ट्रांजिस्टर है, राइट। सो 9K से 70K ट्रांजिस्टर बढ़ गए 1975 से 1980 के बीच में, राइट। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे हम ईयर इंक्रीज करते जा रहे हैं नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब 2000 के बाद ये जो टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कम होते जा रहे हैं, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रही है ये टेक्नोलॉजी, तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स लैग करते जा रहे हैं।
बट ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं। सो हम अब थोड़ा ज्यादा टाइम के बाद हमारे पास सेम चिप पर डबल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आएंगे। कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीज, जो हमारे पास आईसीज है उनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। आईसीज की क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप्स में हो सकती है, जैसे कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जिसे हम बोलते हैं SSI। 1964 में ये डेवलप हुआ था। यहाँ पर 1 से 10 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं 1 से 12। MSI इज मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, 1968 में डिस्कवर हुआ था। 10 से 500 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं 13 to 99। LSI is large scale integration, 1971 में discover हुआ था। Number of transistor हैं 500 to 20,000 and the number of logic gates are 100 to 9999, right? So ऐसे हम number of transistor और number of logic gates को define कर सकते हैं। So coming to VLSI, VLSI जो कि हम पढ़ रहे हैं, it is very large scale integration, 1980 में discover हुआ था। 20,000 से 10 lakh तक transistors हो सकते हैं और 10,000 से 99,999 नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, 99,999 से थोड़े ज्यादा है, थोड़े कम भी होंगे तो हम उसे VLSI टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। ULSI इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 1984 में डेवलप हो चुका था टेक्नोलॉजी। इसमें 10 लाख से ज्यादा ट्रांजिस्टर हो सकते हैं एंड वी कैन हैव 1 लाख से ज्यादा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट 1 लाख से ज्यादा बन सकते हैं एक सिंगल चिप के ऊपर, राइट। सो कमिंग टू द फीचर साइज एंड वेफर साइज, राइट। अगर मैं फीचर साइज की बात करूं और वेफर साइज की बात करूं, सबसे बड़ा वेफर साइज कौन सा है? 300 mm, 200 mm और 150 mm। सबसे बड़ा जो वेफर है वो है 300 mm का वेफर, राइट। सो जो 300 mm का वेफर है वो 0.35 माइक्रोमीटर टेक्नोलॉजी से बनेगा। जितनी ज्यादा कम लैम्डा पे जाएंगे उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी कॉस्टली होती जाएगी, राइट। सो 0.25 माइक्रोमीटर पे 200 mm, 0.18 माइक्रोमीटर पे 150 mm। सो 150 mm सबसे कम लैम्डा पर यूज हो रहा है, राइट। सो सबसे छोटी जो टेक्नोलॉजी है 150 mm पे बनती है, राइट। सो 0.18 माइक्रोमीटर टेक्नोलॉजी है, उसके लिए जो चिप बनेगी वो 150 mm तक की ही बनेगी, इससे बड़ी चिप नहीं बना सकते हैं। स्मॉलेस्ट नोन ट्रांजिस्टर है ये जो NEC ने बनाया था 1997 में, वो 14 nm का था, राइट। ये फोटो भी हमारे NEC कॉर्पोरेशन से ली गई है। ये जो 14 nm का ट्रांजिस्टर है ये सबसे छोटा नोन ट्रांजिस्टर है, राइट। अब आप देख पा रहे हैं इस पर हमारे पास सोर्स, ड्रेन, गेट सब कुछ है, ऑल इन द 14 nm रेंज ओनली, राइट। कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ द आईसी डिवाइस, क्या क्या लिमिटेशंस होती है। अभी हमने देखा था कि मूर्स लॉ फॉलो होता जा रहा है अप टिल द ईयर 1995 हमने देखा था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आई टोल्ड यू कि ये बहुत स्लो होने लग गया, जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं वो डबल नहीं हो पा रहे थे। इवन दो वी वर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम इंक्रीज कर रहे हो बट ट्रांजिस्टर्स डबल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि कुछ लिमिटेशंस है। एक, अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें, एक ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए कुछ एटम्स तो लगेंगे ही, कुछ सिलिकॉन एटम्स को यूज कर हम एक ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, सबसे छोटे ट्रांजिस्टर की बात करें तो। सो ये कुछ जो सिलिकॉन एटम्स हैं कुछ स्पेस तो लेंगे। कुछ सिलिकॉन एटम्स की अगर हम बात करें तो एटॉमिक साइज होता है सेवरल एंगस्ट्रॉम, राइट। वी नीड सम एटम्स टू फॉर्म अ डिवाइस, राइट। कुछ एटम्स तो चाहिए होंगे एक डिवाइस बनाने के लिए। सो अगर हम फाइनल लिमिट को देखें तो फाइनल लिमिट क्या होगी एक डिवाइस के लिए, 100 एंगस्ट्रॉम और 0.01 माइक्रोन। सो 0.01 माइक्रोन टेक्नोलॉजी इज द मिनिमल टेक्नोलॉजी, उससे नीचे हम नहीं जा सकते हैं। सो ये हमारी लिमिट है। सो अगर अब हम बात कर रहे हैं एक डिवाइस की, तो मिनिमल हम 30 सिलिकॉन एटम्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब ये जो पूरा वेफर प्रोसेस फ्लो है वो कुछ ऐसा है। ये ही चार्ट मैं आपको बार 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 दिखाते रहूंगी और इसमें जब भी हम कोई भी प्रोसेस डिस्कस करेंगे मैं यही चार्ट में आपको दिखाऊंगी। अब हम इस प्रोसेस में आ गए हैं, राइट। हमारे पास मटीरियल होता है। मटीरियल क्या लेते हैं हम सिलिकॉन वेफर बनाने के लिए? हम लेते हैं सैंड, जो कि हमारे बीचेस पर पड़ा है। बीचेस से सैंड उठाते हैं, उससे हम आईसीज बनाते हैं, राइट। सो मटीरियल लिया, मटीरियल को हम आईसी फैब्रिकेशन के लिए भेजते हैं।
मटेरियल से हम इंगोट बनाते हैं, वेफर्स बनाते हैं, राइट। मटेरियल से हमने एक वेफर बना लिया, जैसे आपने लेस का वेफर देखा होगा, ऐसे हमने सिलिकन के पतले पतले राउंड वेफर्स बना लिए, जैसे लेस का वेफर होता है पतला सा, राइट। सो सिलिकन का वेफर बन गया है, प्लस उसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है, मटेरियल वेफर बना लिया है, उसके अलावा हमें डिजाइन और मास्क चाहिए होता है, राइट। हमें जो गिवन डिजाइन है, कैसा हमें स्ट्रक्चर बनाना है, कितने हमें ट्रांजिस्टर चाहिए, क्या क्या हमें ऑपरेशन करवाना है, विच लॉजिक ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म, उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन लेते हैं और मास्क लेते हैं, राइट। वेफर को थर्मल प्रोसेसिंग में भेजते हैं। ये जो थर्मल प्रोसेसिंग है, लाइक डिफ्यूजन, ऑक्सीडेशन, डिफ्यूजन और ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास जो गिवन डिजाइन है उसके ऊपर एक सिलिकन वेफर के ऊपर SiO2 की लेयर बन जाती है ऑक्सीडेशन के बाद, राइट। सो अब ऑक्सीडेशन के बाद एक ऑक्सीडेशन की SiO2 की लेयर बन गई है, फिर हम कहाँ जाते हैं, फिर हम फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस में जाते हैं। फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जगह जगह पर डिजाइंस बना देते हैं, जगह जगह पर SiO2 लेयर को हटा देते हैं, और सिर्फ क्या होता है, हमारे पास सिलिकन एक्सपोज हो जाता है एनवायरनमेंट पे। जहां जहां सिलिकन एक्सपोज होता है वहां पर हम डोपिंग करवाते हैं, एन टाइप या पी टाइप मटेरियल से डोपिंग कराते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन या फिर आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस से। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं डायलेक्ट्रिक डेपोजिशन पर। ये जो फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस थी, फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस है जिसमें हम फोटोलिथोग्राफी मटेरियल डेपोजिट करते हैं SiO2 लेयर के ऊपर। पहले हमारा वेफर था, वेफर के ऊपर एपिटेक्सियल लेयर, एपिटेक्सियल लेयर के ऊपर SiO2 लेयर, उसके ऊपर फोटोरेजिस्ट। फोटोरेजिस्ट में हम क्या करते हैं, फोटोरेजिस्ट में हम डिजाइन की हेल्प से हम उस पर कुछ कुछ डिजाइन बनाते हैं। जहां जहां से फोटोरेजिस्ट पे अगर हम यूवी लाइट इंपोज करते हैं या फिर केमिकल्स इंपोज करते हैं, वहां वहां पर फोटोरेजिस्ट हट जाता है, राइट। इम्प्लांट फोटोरेजिस्ट, एच फोटोरेजिस्ट, ये दो प्रोसेस होती है। उसके बाद हम डोपिंग पे जाते हैं, डोपिंग करवा देते हैं, डोपिंग के बाद हम डायलेक्ट्रिक डेपोजिशन। डायलेक्ट्रिक डेपोजिशन हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, डायलेक्ट्रिक डेपोजिशन हम गेट बनाने के लिए करते हैं। जैसे अगर हमारे पास सोर्स है, ड्रेन है, वो तो हम डोपिंग की हेल्प से बना लेंगे, फिर हम डायलेक्ट्रिक डेपोजिशन करते हैं। ये सब प्रोसेसेस बहुत डिटेल में है सारी यूनिट्स में, इट्स जस्ट द ओवरव्यू, राइट। फिर उसके बाद केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग। केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग में क्या करते हैं, हम सरफेस को स्मूथ करते हैं। उसके बाद मेटलाइजेशन, जो सोर्स है, ड्रेन है और जो गेट है, ये कनेक्ट कैसे होंगे आउटर वर्ल्ड से। आउटर वर्ल्ड से अगर हम नॉर्मल कंपोनेंट्स लेते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में हम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, लाइक अगर हम कोई बल्ब यूज कर रहे हैं, बल्ब को कनेक्ट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर से। बट हम ICs के कनेक्ट केस में हम इतनी सारी इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं लेते, हम क्या करते हैं, मेटलाइजेशन करते हैं, मेटल से इंटरकनेक्ट्स बना देते हैं, राइट। उसके बाद जैसे ही हमारी चिप बन गई, उसे टेस्टिंग फेज में भेजते हैं, टेस्टिंग से अगर वो पास हो जाती है, देन पैकेजिंग, उसके ऊपर हम प्लास्टिक कवरिंग बनाते हैं। जो आपने चिप देखी होगी उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग होगी। उसके बाद हम फाइनल टेस्टिंग स्टेज में जाते हैं। तो यही सारी प्रोसेसेस हमारी इस सब्जेक्ट में हम डिस्कस करेंगे, कैसे ये सारी प्रोसेसेस होती हैं, क्या क्या रिएक्टर्स चाहिए, कैसे कैसे सारी प्रोसेसेस मूव करेंगी, राइट। सो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, वेफर प्रोसेस फ्लो इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी, क्या क्या एडवांटेजेस है, कुछ एडवांटेजेस तो अभी आप गेस कर रहे होंगे कि इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ द सर्किट। अगर मैं एक ट्रांजिस्टर की बात करूँ, एक ट्रांजिस्टर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, बट अगर मैं एक IC की बात करूँ, IC भी 2 या 3 सेंटीमीटर की होगी, जो कम से कम 1000 ट्रांजिस्टर्स रख रही होगी अपने पास। तो इसने क्या करा, एक सर्किट का साइज रिड्यूस कर दिया। 1000 ट्रांजिस्टर अगर हम प्रैक्टिकली उसका सर्किट बनाए तो बहुत बड़ा बनेगा, बट IC पर वो बहुत छोटा हो जाता है। इट रिड्यूसेस द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द डिवाइस। ऑब्वियसली अगर मैं 1000 ट्रांजिस्टर के लिए मटेरियल देखूं तो बहुत सारा मटेरियल यूज होगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी उतने 1000 ट्रांजिस्टर्स को बनाने के लिए। बट अगर मैं 1000 ट्रांजिस्टर्स IC पे बनाती हूँ, क्योंकि बल्क प्रोडक्शन होता है, तो सारी टेक्नोलॉजीज तो एक ही बार, सारे रिएक्टर्स एक ही बार बनेंगे, बट मिलियंस ऑफ ICs एक साथ बन जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इट इंक्रीजेस द ऑपरेटिंग स्पीड, क्योंकि अब यहाँ पर हम वायर्स यूज नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी वायर्स में करंट जब पास होएगा तो थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पर वायर्स यूज नहीं है तो ऑपरेटिंग स्पीड बढ़ जाती है। इट रिक्वायर्स लेस पावर देन द डिस्क्रीट कॉम्पोनेंट्स। ऑब्वियसली
क्योंकि यहाँ पर हम डिस्क्रीट कंपोनेंट्स यूज नहीं कर रहे हैं, सारे कंपोनेंट्स हमने आईसीज पर ही बना दिए। आईसी को देखें तो 5 वोल्ट पर ऑपरेट कर जाती है, ट्रांजिस्टर को देखें तो 2 to 3 वोल्ट पर ऑपरेट करता है एक ट्रांजिस्टर। अगर मैं 1000 ट्रांजिस्टर को देखूं तो बहुत सारी पावर लगेगी 1000 ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने पे, वेयर एज आईसी में अगर 1000 ट्रांजिस्टर है तो 5 वोल्ट पर ही ऑपरेट कर जाएंगे। इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है। रिलायबिलिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके सर्किट के अंदर ब्रेकेज की वायर नहीं यूज करिए, तो वायर ब्रेक होने के, वायर शॉर्ट होने के चांसेस है ही नहीं, तो रिलायबिलिटी ज्यादा है। इट ऑक्यूपाइज अ रिलेटिवली स्मॉलर एरिया, कम एरिया ये ऑक्यूपाई करता है, तो ये सब हमारे एडवांटेजेस हैं। एप्लीकेशंस, आज के वर्ल्ड में वीएलएसआई चिप्स बहुत सारे ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में यूज होती है, लाइक वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन में आपने देखा होगा कि जब भी हम वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप अपने फोन में देखिए, हमेशा आपको दिखेगा अंदर, अगर आप तोड़ेंगे फोन को तो उसके अंदर से आपको एक चिप मिलेगी, जो चिप बनी है वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए भी हम वीएलएसआई चिप्स यूज करते हैं, राइट, आईसी चिप्स हम यूज करते हैं फॉर द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। कंप्यूटर्स, जब आप देखेंगे कंप्यूटर को तोड़ेंगे तो उसके अंदर भी आपको एक चिप मिलेगी जो इसके प्रोसेसर के का काम कर रही है। उसके बाद हम कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे ही जाएंगे, कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बड़े बड़े मशीन्स होती हैं उसके अंदर भी हम चिप्स यूज करते हैं, राइट। इवन इन योर होम अप्लायंसेस, कुछ जो होम अप्लायंसेस होते हैं उसमें भी आप आईसी चिप्स यूज करते हैं, राइट, जिसमें अगर आपको टाइमिंग लगाना हो, जैसे कि आपका माइक्रोवेव ओवन होता है, टाइमिंग लगाना हो तो आप यहाँ पर चिप्स यूज कर सकते हैं। देन ऑटोमोबाइल्स, जो भी एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स आ रहे हैं, जो नई नई कार्स आ रही हैं, लग्जरी कार्स आ रही हैं, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं उसके लिए हमारे पास आईसीज यूज होती हैं, जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी के यूज करके बनी है। मेडिसिन में जो हमारी बहुत सारी टेस्टिंग के लिए जो मशीन्स होती हैं, ये सब मशीन्स हमारी आईसी यूज करती हैं। वेरियस आईसीज आर मेड फ्रॉम वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। तो ऐसी हमारी वीएलएसआई चिप्स दिखाई देती हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मीट मी सोन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।